हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक मिन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मी ए टू के लिए। जी हां, 5 रीजन नॉट टू बाय मी ए टू। अब यार, जिन जिन लोगों ने भी रिव्यू किया है एम आई ए टू का, सब लोग ने यही बोला है कि अगर आपके पास पैसा है खर्चा करने के लिए, उड़ाने के लिए, तो ही एम आई ए टू लीजिए, वरना एम आई ए टू लेने की कोई भी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इससे पहले बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या वेट कर रहे हैं यार, जैसे जैसे आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए। तो सबसे पहले रीजन की बात करूँ एम आई ए टू को नहीं खरीदने की, तो हेडफोन जैक का रहेगा। जी हाँ, अब Xiaomi पता नहीं क्या उसको बोला जाता है Xiaomi को कि गरीबों का एप्पल, तो पता नहीं उसने वो मन में लगा लिया और वो एप्पल की तरह ही इसमें भी हेडफोन जैक को निकाल रहा है। अब वो पता नहीं क्यों क्या किया उसने, आप टाइप सी एडाप्टर दिया, यानी कि आप लोगों को एक एडाप्टर लेना पड़ेगा टाइप सी टू 3.5 mm का एडाप्टर। अब वो यूजुअली आप बोलेंगे कि ठीक है, लेकिन यूजुअली आप भूल जाते हैं वो, मतलब आपको याद नहीं रहता है कि यार ये एडाप्टर लेने की जरूरत भी है। तो हेडफोन जैक नहीं, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि बहुत लोगों ने 30 वाला हेडफोन लिया, बहुत लोगों ने 50 वाला हेडफोन लिया, बहुत लोगों ने 5000 वाला भी हेडफोन लिया है। जो 30 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, 5000 वाला हेडफोन उसका यूज़ तो करना ही है, तो उसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि हेडफोन जैक नहीं है। दूसरे रीज़न की बात करूँ, दूसरा रीज़न होगा बैटरी। 3010 mAh का खाली बैटरी दिया गया है। अब 660 अच्छा है बोल सकता हूँ, पावर एफिशियंट है, लेकिन वो 3000 mAh का बैटरी मतलब नहीं चलने वाला है भाई, इतना दिमाग में रख लो। 3000 mAh आपके पूरे दिन नहीं चलेगा, 8 से 10 घंटे मैक्सिमम अगर आप यूज़ करते हैं तो चल जाएगा, उसके ऊपर नहीं चलने वाला है। और क्विक चार्ज को सपोर्ट किया गया है, 4+ क्विक चार्ज को, लेकिन वही बाबा है ना, Xiaomi क्विक चार्ज का चार्जर देता नहीं, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। सपोर्ट तो दे देता है कि हाँ इसी क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर नहीं देता है, तो उसके लिए आपको अलग से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो बैटरी यार बिल्कुल भी दम नहीं है बैटरी में, तो मैं बोलूँगा 3000 बहुत कम है। तीसरे रीजन की बात करूँ, तीसरा रीजन होगा उसका हाइब्रिड स्लॉट। अब यार 4/64 में बोलूंगा ठीक है चलो, लेकिन यार 64 GB आज के ज़माने में यार फुलफिल नहीं करता है हमारे कैपेसिटी को। तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक, या हाइब्रिड सिम को भी ज़्यादा भी हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन हाइब्रिड सिम स्लॉट अभी के लिए तो मैं ठीक नहीं बोलूँगा, क्योंकि यार अब हाइब्रिड सिम स्लॉट का ज़माना चल गया है, अब आपको डेडिकेटेड देना ही पड़ेगा। चौथे रीजन की बात करूँ, चौथा रीजन होगा कैमरा। अब बोलेंगे कि यार एम आई ए टू सिर्फ कैमरे के लिए जाना जाता है, तो कैमरे में क्या खराबी है? तो इसमें आप लोगों को जो 12+20 MP का सेंसर देखने को मिला था डुअल कैमरे का, उसमें आप लोगों को ओ आई एस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट नहीं है। अब पी आई एस का हो सकता है, लेकिन ओ आई एस का होता क्या यार, जो शेकी वीडियोज रहता है ना वो बहुत ही कम आता है, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है ओ आई एस से बहुत ज़्यादा मतलब फर्क पड़ता है। इसमें आपको ओ आई एस नहीं दिया गया है, तो ये चौथा रीज़न है। अब Xiaomi क्या बन रहा है, पांचवें रीज़न की बात करूँ, Xiaomi एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन बन रहा है, प्राइस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जा रहा है। स्टार्ट किया था 10,000 से 12,000, 15,000, 17,000 से आ चुका है, बोलूँगा 17,000 में ठीक आप लोगों को दिया है, लेकिन यार सब वही सेम है यार, Redmi Note 5 के प्रो के तरह ही सेम फ़ोन बनाया है, खाली कैमरे का लेंस चेंज कर दिया है, प्रोसेसर चेंज कर दिया है, बाकी पूरा का पूरा डब्बा आपको सेम उठा के दे रहा है, सेम स्क्रीन 18:9, कुछ नॉच नहीं है, कुछ भी डिज़ाइन बदला नहीं है, सेम मेटल का पीछे का बैक है यहाँ पे, मतलब कुछ भी बदला नहीं है। Xiaomi ने पूरा का पूरा Redmi Note 5 Pro ही आपको दे दिया है, खाली कैमरे का लेंस चेंज कर दिया है और यहाँ पे प्रोसेसर चेंज कर दिया है। तो ये तो है Xiaomi की कहानी भाई, मतलब जितना आगे बढ़ रहा है वो उतना ही पीछे अब जा रहा है, Xiaomi भी एक दिन Nokia की तरह ही हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ गया है, लेकिन अब वैल्यू फॉर मनी लाता है, लेकिन अब सब सेम सेम आने लगा है। इसके लिए Xiaomi यहाँ पे मेरे हिसाब से उतना मी ए टू तो उतना अच्छा खासा काम नहीं कर पाया, जितना हाइप का भी बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है उतना हो नहीं पाया, क्योंकि सब कुछ यार नॉर्मली फ़ोन ला दिया, खाली कैमरे का लेंस चेंज कर दिया है और बैटरी भी डाउनग्रेड कर दिया है। यही था फ्रेंड Xiaomi Mi A2। मैं तो बोलूँगा मेरा पर्सनल ओपिनियन मत लो, खाली कैमरा के लिए चाहिए तो ही लो, मैं तो फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा, Redmi Note 5 Pro ही ले लो, या फिर Realme 1 ले लो, या फिर और पैसा है तो Honor का ले लो, वो बेस्ट फोन रहने वाला है 970 GB 835 के इतने मुकाबला दे देता है। ये था फ्रेंड्स हमारी A2 5 रीजन नॉट टू बाय के ऊपर वीडियो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मनी टेक्निक चैनल के साथ बहुत रिच है।